नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां भी ग्रामीणों को लुभाने लगी है। इसी कड़ी में गांव दरबा में अभय सिंह चौटाला ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए वोटों की अपील की। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि आज जिस तरह से नशा बढ़ता जा रहा है, जिसमें युवा वर्ग की दल दल में बुरी तरह फंसता जा रहा है, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए कोई भी कड़े कदम नहीं उठाए जा रहे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि आज का सबसे बड़ा मुद्दा एक नशा है। यह केवल एक गांव की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे जिले में अलग अलग गाँव के अंदर बुरी तरह से फैल चुका है। आज का युवा इसमें फंस कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि आज पुलिस भी नशा तस्करों को पकड़ने से डरती है। अभय चौटाला ने पूर्व सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी और इनेलो के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रधान पदम जैन को पार्टी छोड़ने पर उन्होंने कहा कि जो पार्टी छोड़कर गए हैं उन्हें कहीं भी मान सम्मान नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी एक माँ की तरह होती है और जो अपनी माँ की इज्जत नहीं करते तो उन्हें समाज भी इज्जत नहीं कर देता। उन लोगों का हश्र भी वही होता है। पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। इलाहाबाद नहीं, मैं पूरे सिरसा जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्र में होकर के आया हूँ। सबसे बड़ी बात जो आज की तारीख में लोगों के सामने मुसीबत बन करके आई है वो नशा है, और इस नशे की वजह से कोई गांव नहीं बचा ऐसा जिस गांव में 2-4-10 लड़के अब तक किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने किसी को मार करके अपने आप को मौत के हवाले कर लिया, कोई नशे की वजह से मर गया। हर गांव के अंदर लोग इस बात को खुल करके कहते हैं कि हमारे यहाँ नशा सरेआम है। बड़ी हैरानी की बात थी, मैं ओडा गांव में परसों रात को था, वहाँ मैं जब लोगों से पूछ रहा था, मैं कहा तुम्हारी तो पुलिस स्टेशन है, यहाँ तो नशा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे ये कहा गया कि पुलिस के लोगों को जब बताते हैं कि यहाँ नशा बेचने वाला आया हुआ है तो वो कहते हैं अभी हम नहीं पकड़ते। पुलिस नशे बेचने वालों से डरती है। अगर पुलिस नशा बेचने वालों से डरेगी तो फिर मान करके चलो लोगों को सुरक्षा कहाँ से मिलेगी? फिर तो सुरक्षा की वजह भय का माहौल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। उनसे पूछ लो उनके साथ कौन गए, मुझे लगता है उनके घर वाले भी नहीं गए होंगे बेचारे। बड़ी मजे की बात है, पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, बड़ाई करते हैं। चौटाला साहब ने बहुत मान सम्मान दिया, अभय सिंह जी ने बहुत इज्जत करी, बहुत मान सम्मान दिया। किसी ने जैन से पूछा क्यों चले गए, बोले मुख्यमंत्री का फोन आ गया। तो क्या इतनी ही हैसियत थी कि एक मुख्यमंत्री ऐसे लोगों को फोन करे और वो उसके जाकर के मुख्यमंत्री के मंच पर खड़े हो जाए? फिर तो ये मान के चलो कि ये इनके पास कोई राजनीतिक आधार नहीं था, केवल पार्टी की वजह से इनका नाम था। अब पार्टी छोड़ करके गए हैं तो आप जैन साहब को सरसा में देख लेना कितने लोग साथ घूमते मिलेंगे। जितने लोग हमें छोड़ करके गए हैं उन सबका सब जगह विरोध है। रामचंद्र कंबोज का नहीं, ये रोड़ी जाएगा इसका विरोध होगा, कहीं जैन जाएगा उसका उससे भी ज़्यादा भारी विरोध होगा। जो लोग पार्टी माँ हुआ करती है, जो अपनी माँ की इज्जत करना भूल जाए, उन लोगों का हर्ष यही होता है। आज की जो एक घटना हुई है देसुजोदा गांव के अंदर कि नशा बेचने वाले के घर पे जब पुलिस ने रेड मारी तो नशा तस्करों की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, और वहीं एक पुलिस के जवान को मौत के घाट उतार दिया। और पुलिस ने जब सामने से फायरिंग करी तो एक मरा, मैं तो कहता हूँ एक नहीं, जितने लोग थे उन सबको मौत के घाट उतारना चाहिए था। और जो नशा बेचने वाले लोग हैं उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए। सरकार ने तो नशा बेचने वालों को टिकटें दी है, लेकिन पुलिस की एक जिम्मेवारी बनती है कि चाहे कितना ही बड़ा कोई आदमी हो, अगर नशे का धंधा करने वाला है तो उसके ऊपर तुरंत लगाम डाले, तुरंत उसको पकड़े, गिरफ्तार करे, अंदर दे। अब पुलिस को इस बात से नहीं डरना चाहिए कि सरकार किसकी है, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। अब पुलिस की प्रशासन की बड़ी जिम्मेवारियां हैं, ना कि सरकार की है।